सो फाइनली दोस्तों सफर मूवी को लेकर हैरान करने वाली न्यूज़, भाई सफर मूवी थिएटर के रिलीज नहीं होगी, सफर मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी एंड नाउ इट्स ऑफिशियली कंफर्म माय डियर फ्रेंड। एंड सफर मूवी दोस्तों 2024 में ही होगी रिलीज। ओ भाई साहब, सन्नी देओल के साथ हो गया घोटाला, गड़बड़ घोटाला हो गया दोस्तों। मतलब अभी तक हम ये सोच रहे थे कि 2025 में पहली फिल्म लाहौर आएगी, भाई शशांक उदरपुरकर ने पूरा मामला गड़बड़ कर दिया, पूरा खेल बदल दिया भाई। सन्नी देओल के ग्रह नक्षत्र उल्टे हो गए भाई। सफर मूवी एक्शन नहीं है यारो, एक्शन नहीं है। इस फिल्म को तो लाहौर 1947 के बाद आना चाहिए था, लेकिन यार क्या हो गया यार, जज्बात हालात माहौल सब बदल दिए गए। मुझे बहुत दुख की बात, दुख से कहना पड़ रहा है, दुख हो रहा है मुझे कि साला सफर मूवी इस डेट पे आ रही है और जबकि दोस्तों कोई ओकेजन नहीं है, कोई हॉलिडे नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, ऐसे में दोस्तों सफर मूवी का क्या ही हुआ। सुबह दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, लाइक कमेंट करना, सनी देओल फैंस असेंबल यार, और भाई साहब वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत बड़ी खास वीडियो लेके आऊँ आपको सफर मूवी के बारे में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सो सनी देओल फैंस प्लीज़ अपने भाई को लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थैंक यू सो मच यारो, इतना प्यार कर रहे हो आप, भर भर के लाइक कर रहे हो। एंड दोस्तों एक रिक्वेस्ट और, अगर किसी भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक्स बटन है सब्सक्राइब बटन के बगल में, थैंक्स बटन दबाकर मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दे सकता है। सो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं भाई। लोगों सफर मूवी हम सबको पता है, मैं बार बार ये बोल रहा था कि सफर मूवी इस साल नहीं होगी रिलीज, इस साल नहीं होगी रिलीज, और ये कंफर्मेशन भी था कि सफर मूवी आएगी नहीं, आएगी भी तो ओटीटी पे आएगी। अब दोस्तों आपको बता दूं कि एक कल एक ब्रेकिंग न्यूज आई रात में, एंड सच बता रहा हूं भाई कल रात की न्यूज है ये, और आज तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं भी बना रहा हूं भाई। सफर मूवी जो है ना ओटीटी पर रिलीज होगी, ये कंफर्म है। अब किस ओटीटी पे आएगा देखना होगा, मोस्ट लाइकली ये प्राइम वीडियो पे आने के पूरे चांस हैं। सफर मूवी का बजट जितना है उसके अकॉर्डिंग ये फिल्म जो है दोस्तों कलेक्शंस कर लेगी, अपना हिट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक जो ऑरा होता है ना सनी देओल का, वो ऑरा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। सन्नी पाजी कभी भी ओटीटी फिल्मों के लिए नहीं बने हैं। इनफैक्ट सन्नी पाजी ने अपने हाल ही इंटरव्यू में कहा था कि वो कुछ फिल्मों को ओटीटी के लिए साइन किए हैं। अब आपको बता दूं कि कुछ फिल्मों में से सफर मूवी तो ओटीटी के लिए पक्का है, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि सफर मूवी के चांसेस है कि ओटीटी पे आएगी एंड वो कुछ फिल्में ओटीटी के लिए बनी हुई है। सफर मूवी बहुत ही सॉफ्ट मूवी है दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट, ठहराव फीलिंग्स एंड कह लीजिए कि एक्शन ना के बराबर है, ये कहानी को दर्शाती है। और सन्नी पाजी इसके अंदर दोस्तों ऑफकोर्स हमने उनका ऑरा हमेशा ही एक पावरफुल मैन, एक एंग्री मैन के रूप में देखा है। ऐसे में सफर मूवी के अंदर उनके सीधे साधे रोल, सॉफ्ट रोल, मुझे लगता है कि शायद ये फिल्म इनके लिए थी नहीं। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि शशांक उदरपुरकर से जब मेरी बात हुई दोस्तों, कल एक गुड न्यूज़ बता दूँ आपको कि कल रात में शशांक उदरपुरकर जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। आपको बता दूँ कि शशांक उदरपुरकर जी ने मेरी कमेंट्स को लाइक किया है, मैंने उनसे पूछा था सफ़र मूवी कब आ रही है, शायद यही कारण था दोस्तों कि नेक्स्ट डे ये अपडेट आई कि सफ़र मूवी दोस्तों सितंबर एंड 2024 में आ रही है, ओटीटी पे आने के चांस पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभी शशांक उदयपुरकर जो है वो यूरोप में एक हफ्ते के लिए गए हैं दोस्तों, इसकी डबिंग पे काम चल रहा है वहाँ पर, और कुछ शूटिंग्स अगर पेंडिंग है तो उसको भी सुलटाएंगे। आपको बता दूं कि यूरोप के अंदर एक हफ्ते रुक कर इसकी डबिंग, एक मेरे पास क्लिप आई थी, फोटो में दिखा देता हूँ दोस्तों, इसकी डबिंग पे काम हो रहा है और कहा जा रहा है कि इसका डबिंग भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर एंड में फिल्म आ रही है दोस्तों। इसका बहुत बड़ा ऑफिशियली पोस्टर, बहुत बड़ा टीजर या कह लो ट्रेलर जल्दी ही देखने को मिल सकता है, और किस ओटीटी पे आएगा ये भी बता दूं मैं आपको, तो प्राइम वीडियो पे आ सकता है, उसके प्राइम वीडियो के जरिए ट्रेलर अभी आ सकता है दोस्तों। सो वेल दोस्तों थिएटर रिलीज तो नहीं है फिल्म, मैं आपको पहले ही बता दूं ओटीटी पे आएगी, चांसेस लग रहे हैं वैसे मेरे को। एंड आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर ये फिल्म ओटीटी पे आएगी तो यार ऑफकोर्स हमें तो प्रमोशन करना है, और मुझे पता है कि सनी देओल फैंस ओटीटी पे भी देखेगी सब्सक्राइब कर करके, लेकिन दोस्तों जो माहौल चाहिए था थिएटर रिलीज का यार वो माहौल नहीं मिल पा रहा, तो उसका मुझे अफसोस लग रहा है क्योंकि हम थिएटर से कम ये उम्मीद करके बैठे थे कि सफर मूवी को 500 करोड़ तक पहुँचाना है, लेकिन अफसोस दोस्तों यार सफर मूवी बुक माई शो पर भी ओपन नहीं हुई है, आप IMDb पे अभी ट्रेंड नहीं कर रही, तो आप खुद सोच सकते हो कि 2-3 महीने के अंदर मुझे लगता है दोस्तों पक्का शोरूम है ओटीटी पे आएगी। एंड शशांक उदयपुरकर ने ये बहुत ही बड़ा गलत फैसला लिया है, उनको लाहौर के बाद ही फिल्म को रिलीज करना चाहिए था, ऐसे में दोस्तों इस फिल्म के लॉस होने के पूरे चांस हैं एंड सन्नी देओल का करियर वापस से नीचे गिर सकता है, जो कि हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, लेकिन दोस्तों ऐसा होने को हो रहा है। एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा दोस्तों, अब छपरी लोग बहुत ट्रोल करेगी हमें, छपरी लोग अब यही बोलेगी कि रवि भाई
आपको हमने कहा था कि सन्नी पाजी गटर के स्टार है, ये वही बोलेंगे। तो दोस्तों उनका भी जवाब मेरे पास है कि भाई वो सन्नी पाजी गटर वुड के स्टार नहीं है। जी हाँ, सन्नी पाजी जो है उनका स्टारडम एक अलग ऑरा है, सन्नी पाजी का स्टारडम बोलता है। जी हाँ, और उनकी कोई फिल्म उठा लो उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके पंचेस कमाल के होते हैं। दोस्तों शशांक उदयपुरकर का जो मैसेज आया था, उन्होंने हालांकि एक मैसेज में ये भी कहा था कि ये फिल्म जो है लाइफ टाइम, जिसे कहते हैं ना कि एक अपना योगदान देना, अपनी पूरी मेहनत झोंक देना, सन्नी पाजी ने इस फिल्म के जरिए पूरी मेहनत को झोंका है। इस फिल्म के अंदर सिमरन सिंह बग्गा है। आपको बता दूं कि एक फ़ोटो भी, तस्वीर भी वायरल हो रही है, क्या बोलते हैं, जूहू बीच के सामने जो दोनों रोमांस करते नज़र आ रहे हैं। सन्नी पाजी भी कभी रोमांस शूट ही नहीं करता यारो, कभी नहीं करता। सो हमें तो एक्शन देखना चाहिए था, बट यहाँ हम रोमांस देख रहे हैं, लेट्स सी। बाकी यार देखो, ये फिल्म अपना कॉस्ट रिकवर कर लेगी, ये फिल्म 100 करोड़ इजिली कमा लेगी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन वही दोस्तों, थिएटिकल चाहिए था हमें, थिएटिकल रिलीज चाहिए था, लेकिन थिएटिकल रिलीज के बिना मज़ा नहीं आ पाएगा यार। तो दोस्तों सफ़र मूवी जो है अभी डबिंग चल रही है, डबिंग एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। एक हफ्ते के बाद बड़ा सा पोस्टर या टीजर देखने को मिल सकता है। यूँ कह लो दोस्तों, 15 अगस्त से पहले पहले सन्नी पाजी कई फिल्मों के टीजर, ट्रेलर और दोस्तों बड़े बड़े पोस्टर आ जाएंगे। तो देर किस बात की है, सफ़र मूवी के लिए क्या आप एक्साइटेड हो? क्या सफ़र मूवी दोस्तों इस साल 2024 सितंबर में आ रही है? क्या वाकई में डेट सही है या इसको लाहौर 1947 के बाद आना चाहिए था? अब क्या सफ़र हिट होगी या फ्लॉप होगी? क्या सफर दोस्तों लाइफ टाइम कलेक्शन 5 करोड़ तो पहुंच पाएगी या 200 करोड़ भी नहीं हो पाएगा? कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर। क्या सफर मूवी को और वेट करना चाहिए, लाहौर 1947 के बाद ही रिलीज करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्या आपके विचार है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस तरह प्यार देते रहिए।